हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं गाइस बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निक के बारे में। तो निक के बारे में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज रेज करेंगे, और वो है कि क्या निक को ऑयल यूज करना चाहिए अपने मसल्स को इन्हांस करने के लिए जहां पर भी ही इज नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस। तो इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये अपडेट दिखाना चाहूंगा निक की, जो कि 30.5 वीक आउट मिस्टर ओलंपिया से। यस गाइस, सिर्फ 13.5 हफ्ते बचे हैं मिस्टर ओलंपिया में। टाइम देख रहे हो कैसे भाग रहा है विंग्स के साथ, ऐसा लग रहा है टाइम ने रेडबुल पी ली है। एनीवेज, निक इस अपडेट के अंदर गाइस इज लुकिंग रियली ग्रीनियर। मतलब लास्ट कपल ऑफ अपडेट्स में हमने देखा था निक थोड़े सॉफ्टर साइड पर होते जा रहे थे, बट आई थिंक उस टाइम पर ये थोड़ा सा ऑफ ले रहे थे। इस टाइम ही इज बैक इन हिज जोन। अब ये बिल्कुल सीरियस वे में प्रेप कर रहे हैं और इस वक्त ही इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रीनियर। इनके फिजिक में आप वो टाइटनेस विजिबली नोटिस कर सकते हो, एंड ऑलरेडी इन ग्रेट शेप गाइस। मतलब 13.5 वीक आउट के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त शेप ये मेंटेन कर रहे हैं। इमेजिन करें अगले 13 हफ्तों में किस लेवल पे पहुंच जाएगी इनकी कंडीशनिंग और ये ग्रेनीनेस। मसल मैच्योरिटी ही ऑलरेडी कैरीज। तो मैट जैनसन ने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में गाइस ये बोला था क्वेश्चन पूछे जाने पर कि उनको किससे खतरा लग रहा है, तो यहाँ पर मैट ने साफ बोला कि हार्डी को थोड़ी सी निक की हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा सा माइनर सा ऑफ आना पड़ेगा, बट उसके अलावा उनको नहीं लगता डेरेक एंड ऑल एवरीबडी इज अ थ्रेट। तो ही साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट, बट यस, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से एक्नॉलेज करा कि हार्डी से हम लोगों को हेल्प जरूर चाहिए, बिकॉज हार्डी इज अ वेरी डेंजरस बॉडी बिल्डर। और जिस तरह से वो आर्नो क्लासिक ओहायो में आए थे, उन्होंने बोला अगर वही पैकेज वो ले आते लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में, तो उन्हें टाइटल डिनाई करना इम्पॉसिबल हो जाता, और इस साल भी हो जाएगा अगर सेम पैकेज हार्डी ने रिपीट कर दिया। बट हार्डी इज गोइंग टू इम्प्रूव मैन। हार्डी इज नॉट इवन टारगेटिंग टू ब्रिंग द सेम पैकेज, ही इज टारगेटिंग इवन अ बेटर पैकेज दिन दैट। तो एनीवेज, डायरेक्ट के बारे में और सैमसन के बारे में मैट इतना ज्यादा वरीड दिखाई नहीं दिया, और वो रीजन यही था गाइस कि ओलंपिया टीम में जो बैटल हुई थी वहां पर एक तरह से निक ने उन दोनों को आउटशाइन कर दिया था, ना सिर्फ अपनी डेडिकेशन से और वर्कआउट इंटेंसिटी से, बल्कि जिस तरह से ही वॉज लुकिंग इन द पोजिंग एज वेल, उस चीज से भी हाउ फ्रीकियर ही वॉज लुकिंग। सो एनीवेज, न्यूयॉर्क प्रो जहां पे इनका कमबैक हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, वहां पर गाइस इनके साथ कुछ तो बुरा हुआ, और वो ये हुआ गाइस कि इनको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा, इनके मिड सेक्शन पर काफी सवाल उठे, और उसके बाद जजेस ने मार्टिन को भी अलाउ कर दिया, जो कि एक न्यू कमर है जिन्होंने एक तरह से भी डेब्यू भी नहीं करा मिस्टर ओलंपिया में, उनको अलाउ कर दिया निक के बिल्कुल क्लोज आने के लिए, जबकि ही वॉज लैकिंग अलॉट इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ मसल मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ साइज। चलो कोई नहीं, बट इवन देन गाइज ही डिड डिलीवर, एंड दैट इज द मेन पार्ट कि इन्होंने उसके बाद भी डिलीवर करा। ही वॉन द शो, क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया, और अगर मिस्टर ओलंपिया की बात करें तो वहां पर तो स्टेज पर इन्होंने हमेशा डिलीवर करा है। मैट और इनकी टीम ने हमेशा जबरदस्त काम करा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स करके हमेशा स्टेज पर आए हैं। सो साइड पोजिस अगर आप देखोगे गाइज, एक्सट्रीमली गुड, थिकनेस, डेंसिटी, एवरीथिंग इज दियर, चेस्ट डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, फिजिक टाइटर लग रही है, वो विथ पता लग रही है, वो फ्रीकनेस अवेलेबल है टोटली। बैक पोजिस अब निक्के काफी इंप्रूव हो गए, दे आर ऑल्सो सुपर कंपेटिटिव। तो अगर डायरेक्ट के बैक पोजिस बेस्ट पोजिस हैं इन द करेंट टाइम, देन निक वॉकर के बैक पोजिस गाइज सेकंड नंबर पर जरूर आएंगे, लेकिन फ्रंट पोजिस वहां पर दिक्कत इनके लिए खड़ी हो जाती है, बिकॉज वेस्ट का भी वहीं पे क्वेश्चन आता है, पोजिंग का भी वहीं पे क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, और साथ में क्वाड्स का भी इनके जो इशू है वो दिखता है। तो वेस्ट इज समथिंग दैट इज कॉस्टिंग हिम। ये अपने पोजिंग के एस्पेक्ट पर रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी पोजिंग को ना बार 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 रिपीट कर रहे हैं हर एक वर्कआउट सेशन के साथ, ताकि अपनी वेस्ट पर और ज्यादा बेटर कंट्रोल दिखा सकें, एंड दैट इज विजिबल यहाँ इस अपडेट के अंदर, दैट इज टोटली विजिबल गाइज। बट कैन ही विन, मेन क्वेश्चन इज क्या ये जीत सकते हैं मिस्टर ओलंपिया, इज दैट पॉसिबल? तो आई डोंट नो मैन, पॉसिबल यस है, बट हार्डी इज अ थ्रेट, जैसा कि इन्होंने खुद ही बोला मसल मैच्योरिटी और ग्रीननेस हार्डी चुपन नेक्स्ट लेवल की कैरी करते हैं। तो ग्रेट पोजिंग, मसल मैच्योरिटी और ग्रीननेस के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आ सकते हैं निक वॉकर, जो कि काम कर सकता है, एंड ही सुपर कॉन्फिडेंट। बट मेन थिंग इज गाइज कि अपनी कॉर्ड्स पर किस तरह से इंप्रूवमेंट करें, बिकॉज इनकी आउटर स्वीप्स वैसी है ही नहीं। देखो इनकी ट्रेनिंग को वी कैन नॉट क्वेश्चन गाइज, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ ही ट्रेन्स, नो बडी एल्स डज इन द करेंट टाइम। यस, तो उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्लस पूरे फोकस के साथ डाइट वगैरह, मील वगैरह कहीं पर भी ये लैक नहीं करते। ये सिर्फ एक जेनेटिक चीज है कि इनकी आउटर स्वीप्स वैसी नहीं है, और इसी वजह से ये चीज इनको एक्सप्रेन बनाने में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो इस चीज के लिए क्वेश्चन यही उठता है कि क्या इनको भी ऑयल यूज करना चाहिए। वैसे देखो मेन बात तो यही है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऑयल यूज कर रहे हैं, और आई थिंक जिनके बारे में हमें पता नहीं है वो भी कई कई पोर्शंस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हार्डी के बारे में हमें पता है, देखो अपने डेल्ट्स में ऑयलिंग वाली चीज, उसके बाद डायरेक्ट के लैट्स में ऑयलिंग वाली चीज भी बहुत ज्यादा निकल के आती है। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, और अगर कहीं पे कोई कमी है, बिग रैमी के बारे में भी हमको पता है कि अपनी कॉर्ड्स में बहुत कुछ इंजेक्ट कर चुके हैं वो। तो एनीवेज, जो हमको पता है वो पता है, लेकिन उसके बाद भी गाइस बहुत सारे ऐसे नाम है जो हमको नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट शाइनिंग लाइक क्रेजी। बट अगर आपके पास पोटेंशियल है, आप वो चीज कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज इस चीज को ये अपनी ट्रेनिंग से टैकल नहीं कर सकते।
तो बाकी अब क्वेश्चन ये आपसे कि क्या आपको लगता है निक को ये मेथड लेना चाहिए। आई थिंक वो इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहते, इसी वजह से अभी तक इन्होंने इस चीज़ को यूज़ नहीं करा है। बट एनीवेज आई थिंक इफ देयर इज नो अदर वे अपने फ्रेम को और बेटर करने का, मतलब यू कैन ऐड मसल मास बट लेग्स में वो चीज़ आप नहीं ला सकते, वो पॉप नहीं ला सकते जब तक आपकी आउटर स्वीप उस तरह से नहीं दिखे, और वो चीज़ एक तरह से कहीं ना कहीं रोकती है गाइस। बिकॉज वेस्ट में अगर देखोगे ना, ठीक है वेस्ट को ही कैन कंट्रोल, टाइनियर नहीं दिखेगी, उसके बाद भी इनका मिड सेक्शन जैसा, इनके एप्स वगैरह जैसे हैं, दे आर रियली रियली गुड, रियली ब्लॉकी, तो वो चीज़ शाइन कर जाती है। बट एक्स फ्रेम ना होना, लेग्स का छोटा लगना, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। तो एनीवेज आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है मेरी इस ओपिनियन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस नेक्स्ट जिला की, और नेक्स्ट जिला इज लुकिंग फ्रीकियर। यस, ही इज लुकिंग रियली रियली फ्रीकियर इस वक्त। यहां पे जो इनकी ये पोजिंग अपडेट मैंने कवर करी थी, यहां पर इनका वेट था गाइस 138 kgs, यानी कि 304 pounds गाइस, बहुत जो कि ज्यादा है। इनके डेब्यू में जब इन्होंने अभी डेब्यू करा था लास्ट ईयर, इनका वेट था 272 pounds, तो 304 pounds, और वो भी पता है किस स्टेज पर, जबकि आप बिल्कुल अपने शो के करीब हो, 3 weeks आउट हो। अब 3 weeks में ये इससे कितना कम कर लेंगे या कितना कम हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनिंग ऑन पॉइंट लग रही है, मसल डेंसिटी इज ऑल्सो लुकिंग ऑन पॉइंट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऑफ है या कुछ भी है, बिल्कुल ऑन पॉइंट चल रही है। यहाँ से हद अगर हमने खींच कर इनका अगर 20 pounds यानी 20 pounds इनका वेट भी हमने कम करने का देख लिया कि 3 weeks में ये कर लेंगे, तो उसके बाद भी का स्टेज पर दुबई प्रो के स्टेज पर एक बहुत ही फ्रीकियर पैकेज के साथ ही होंगे 285 pounds के आसपास, जो कि लास्ट शो से 13 pounds ज्यादा है, और वहां पर ही वॉज लुकिंग रियली गुड। हिज हाइट इज 5 feet 11 inches, यस 5'11" की हाइट पर 300 pounds के आसपास वेट कैरी करना और स्टेज पर इस तरह से फ्रीकी दिखना इज गोइंग टू रियली रियली गो गुड फॉर हिम। बिकॉज देखो आपने देखा था क्रिसो के सामने, नाथन डियाशो के सामने, सैमसन डॉलर के सामने कैसे ये बिल्कुल स्टैंड अप कर गए थे, बहुत जबरदस्त वाला। तो अब क्या ये पॉसिबल नहीं है? टोटली पॉसिबल गाइज, मतलब अभी इज वेरी यंग, ही इज इन हिज 30s, और उस हिसाब से अभी इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपने फ्रेम पर और मसल मास ऐड करने का। और ये चीज आपने अभी ऑलरेडी देख ही ली है, मतलब एक सीजन के अंदर ही 272 से 304 पाउंड तक ये पहुंच गए, एंड गाइज वेरी अनएक्सपेक्टेडली ही इज इंप्रूविंग अपनी अपर बॉडी को, जैसे इन्होंने ब्रॉटअप कराया ना इतने कम पीरियड में, दैट इज रियली रियली गुड। 3 weeks हैं अभी दुबई प्रो में, जो आई थिंक अब लास्ट शो होगा ऐसा जिसमें बहुत सारे बड़े कंपेटिटर्स कम्पीट करेंगे, और क्रिस कॉर्मियर ने जो कि इनको ट्रेन कर रहे हैं उन्होंने ये तक बोला कि अभी तक नेक्स्ट जिला कभी भी इतने सीरियस नहीं था अपनी ट्रेनिंग को लेकर। यस ही वॉज श्योर कि उनको कम्पीट करना है, उनको मिस्टर ओलंपिया में जाना, अच्छा प्लेस करना है, बट अभी तक वो ऐसे सीरियस नहीं ले रहे थे, बट अब ही इज टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली। एंड यहाँ पर दुबई प्रो में आपको पता है गाइस 3 और कंपेटिटर्स हैं बहुत अच्छे वाले जो कम्पीट करने वाले हैं, विलियम पॉनेक, नैथन डियाशा और बहरूस तबानी। अब देखो बहरूस तबानी ने बीट कर दिया नैथन डियाशा को, नैथन डियाशा ने बीट कर दिया विलियम पॉनेक को, और विलियम पॉनेक ने बीट कर दिया बहरूस तबानी को, तो जजेस ने एक तरह से क्रिस क्रॉस बना दिया ये बहुत ही जबरदस्त वाला, कि भाई कोई भी किससे ऊपर है ये समझ में नहीं आ रहा, आपस में कोई भी जीत सकता है। एक तरह से दुबई प्रो शो का एक्साइटमेंट और ज्यादा जजेस ने ना इनहेंस कर दिया है। बट रूबियल इज अ थ्रेट गाइस, एक फिजिक जो कि मास विद क्लास कैरी कर रही होगी मिस्टर ओलंपिया में, टोटली गाइज मैं इनको टॉप 5 टॉप 6 का कंटेंडर ऑलरेडी देखता हूं, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह की इनकी बैक लग रही है, जिस तरह की डेंसिटी इन्होंने इतने कम पीरियड में ऐड कर दी है, ही इज वेरी वेरी यंग गाइज, अभी भी बहुत ज्यादा मसल अपने फ्रेम पर ऐड कर सकते हैं, इजिली 350 pounds तक पहुंचा सकते हैं ऑफ सीजन में अपने वेट को, ये ओल्ड स्टाइल वाली कंडीशनिंग के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। और यहां पर देखोगे आप ये पोजिंग करते हुए हमें दिखाई दिया, छोटी सी क्लिप है लेकिन हम देखते हैं इसको भी, तो क्रिस कॉर्मियर गाइज इनको जैसे ट्रेन कर रहे हैं आप जानते हो, ही वॉज अ ग्रेट पोजर, वन ऑफ द बेस्ट पोजर इन द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से गाइस इनकी पोजिंग अब एक्सप्लेन करता है ये चीज कि इतनी ज्यादा ऑन पॉइंट क्यों है, इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड क्यों है। साथ में क्रिस कॉर्मियर ना बियॉन एसली को भी ट्रेन कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो अ ग्रेट पोजर, तो ये पार्ट तो इनका ऑलरेडी टिक थे गाइस। तो एनीवेज आप बताओ नेक्स्ट जिला की फिजिक आपको कैसी लगती है, और इस शो में दुबई प्रो में अगर आपको बेट करनी हो तो आप किस पर बेट करोगे कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? मेरे तो वोट्स नेक्स्ट जिला के लिए हैं, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट जिला की मसल मास इज गोइंग टू बी टू मच फॉर एवरीवन। एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है राहुल फिटनेस के बारे में। एंड आई थिंक राहुल फिटनेस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग रेज कर सकते हैं, दैट इज शुड ही नॉट मूव टू क्लासिक? यस, बिकॉज सी यहां मैं इनकी पोजिंग देख रहा था, अब आप लोग बहुत कॉमेंट्स करते हो कि राहुल ने अपनी पोजिंग इंप्रूव नहीं करी है, पोजिंग इंप्रूव नहीं करी है। आई थिंक यस, इसमें अभी भी थोड़ा सा हम रेज कर सकते हैं क्वेश्चन, बट उसके बाद भी गाइस देखो डेल्ट्स पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, यहां पर ये कितनी स्ट्राइशंस और फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भी शो में टाइम है, 3 weeks है, एंड ही इज ऑन मैन, मतलब ये पूरी तरीके से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। एक डेडिकेशन जो दिखनी चाहिए थी ना, हम हमेशा से देखना चाहते थे इंडियन एथलीट्स में, वो अब फाइनली किसी ना किसी तरीके से बाहर आ रही है। यस, अब हर एक इंडियन एथलीट मुझे किसी ना किसी तरीके से गाइस मूड लग रहा है, बहुत ज्यादा पुश लग रहा है और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लग रहा है टुवर्ड्स द गोल। तो यहां पर राहुल फिटनेस इज टोटली ऑन, ही इज लुकिंग रियली रियली गुड, बहुत जबरदस्त डेडिकेशन के साथ ट्रेन कर रहा है। बट मैं अभी भी वही कहूंगा गाइस कि ये फिजिक
क्लासिक फिजिक डिवीजन के हिसाब से है, इनकी जिस तरह से बैक है, जिस तरह से इनकी मसल वैल्यूज हैं, आई थिंक मेंस फिजिक इनको जस्टिफाई नहीं करता। किसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने लेग्स को टाइम दें, चाहे ठीक है 2 साल का ऑफसीजन लें, 3 साल का ऑफसीजन लें, लेग्स को टाइम दें, लेग्स को ग्रो करें। डेफिनेटली गाइस क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही इज गोइंग टू शाइन लाइक क्रेजी, ही हैज़ दोज मसल वैल्यूज। मेंस फिजिक में लिमिट कर देने वाला ये फ्रेम नहीं है, उस हिसाब से नहीं है गाइस। फ्रंट पोज में इतने इफेक्टिव नहीं लगते, बैक पोज यस वेरी डेडली है इनका। तो मेंस फिजिक में कॉम्बिनेशन जो चाहिए और जिस तरह से पोजिंग वगैरह, और जिस तरह मुझे मतलब ये लिमिटेड लगते हैं बहुत ज्यादा, जैसे इनकी फिजिक को ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो। जैसे हम स्टेफन मटाला वगैरह की बात करते हैं ओपन डिवीजन के हिसाब से कि उनको मूव कर जाना चाहिए, वैसे ही क्लासिक डिवीजन है राहुल फिटनेस के लिए। एनीवेज आप अपनी ओपिनियन मुझे जरूर बताओ गाइस इस बारे में कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जिसमें हम बात करेंगे गाइस स्टेफन मटाला की। सो स्टेफन मटाला ने क्या इंप्रूव करा है, क्या इन्होंने डिलीवर करा है अपनी हाइप के हिसाब से? डेफिनेटली गाइस, उससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक एक्चुअल क्लियर फुटेज। यस, अभी तक जो हमने फुटेज दिखी शो की वो ज्यादा क्लियर नहीं थी, बहुत ही खराब लाइव वाला वर्जन था, लेकिन अब ये फुटेज आ गई है इनकी पोजिंग की, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी एक्चुअल कंडीशनिंग, एक्चुअल फिजिक, हाउ गुड ही वॉज लुकिंग, हाउ गुड ही वॉज विथ पोजिंग, एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो गाइज, ही वॉज रियली रियली इंप्रेसिव। द शेप, द फुलनेस, एवरीथिंग ही वॉज कैरिंग वॉज 10 times बेटर देन द लास्ट शो। लास्ट शो से बहुत बेटर थी, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रांजिशन का यूज करा एंड दैट वॉज वेरी स्मार्ट गाइज, बिकॉज इनको पता था कि ट्रांजिशन के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा शाइन कर सकता हूँ कम्पेयर टू द अदर कम्पेटर्स, और वो चीज इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करी, तो कुडोज फॉर दैट। बाकी पोजिंग ऑन पॉइंट थी, एक तरह से मुझे टेरेंस रफिन की याद दिला रहे थे ये प्राइम वाले मतलब, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त, जब ये सेकंड प्लेस पर आए थे टेरेंस रफिन, बार बार उस तरह की कुछ कंडीशनिंग थी, उस तरह की पोजिंग थी, फिजिक भी काफी हद तक मुझे उस तरह की दिख रही थी एक बड़े साइज पर। बाकी कैसे ये आने वाले हैं, इस चीज का रियलाइजेशन तो इस चीज से ही हो गया था, जैसे इन्होंने शो से बिल्कुल पहले अपनी अपडेट्स वगैरह क्लिप्स वगैरह पोस्ट करी थी। अब अगर आप ये देखोगे जो अब ये पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ही वॉज लुकिंग मोर ड्रायर, ये शो से पहले की है गाइस। तो पैट्रिक ने इस बारे में बोला भी कि इनके साथ भी वही सीन है जो क्योन पियर्सन के साथ में सीन है, इन लोगों के ना काप्स के बारे में आइडिया लगाना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो, थोड़ा सा भी गलती कर दो ना, अगर 2-3 grams या 5 grams भी ज्यादा कम कर दो तो इनकी काप लोडिंग गलत हो जाती है और फिर ये ब्लोटेड से लगने लग जाते हैं, कंडीशनिंग थोड़ी सी सेक्रीफाइस हो जाती है। बट इस चीज को ये मिस भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनको चाहिए शो के टाइम पर फुलनेस। आपने देखो वेट कैप हिट कर दिया, वो तो किसी तरह से आपने कर दिया, बट शो के टाइम पे फुलनेस जो आपको कैरी करनी है वो तो कार्ब लोडिंग के बाद ही आएगी। तो इसीलिए इनकी थोड़ी सी कंडीशनिंग, माइनर सी कंडीशनिंग गाइस, ज्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सी कंडीशनिंग सेक्रीफाइस लगी स्टेज पर, बट उसके बाद भी ही वॉज रियली रियली अहेड ऑफ द कर्व, ही वॉज रियली गुड, मतलब वही बात पे, एक रियली अमेजिंग एथलीट है क्लासिक डिविजन के। उसके बाद भी ही वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब जब साथ में कंपेरिजन हो रहा था ना, इन पे ही नजर जा रही थी, ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा शेप था, ऐसा फ्लो था इनकी फिजिक का। सो वन हेल ऑफ अ शोइंग इट वॉज, लोगों ने इनकी बैक को कॉल आउट करा, लेकिन इसके बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा गाइस कि क्रिस बम्स्टेड की बैक उनके फर्स्ट ईयर आई मीन जब उन्होंने जीता था फर्स्ट टाइटल आई थिंक 2019 में, उनकी बैक बहुत ज्यादा लैग कर रही थी उस टाइम पर, बियॉन्ड के कंपैरिजन में कहीं नहीं थी। इट्स ओनली इन द लेटर ईयर्स कि उन्होंने अपनी बैक को इंप्रूव करना स्टार्ट करा, बहुत ज्यादा ब्रॉट अप करा। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो लोग उठा रहे हैं इनके ऊपर। दूसरी चीज रमॉन डीनो, लास्ट ईयर आपको पता होगा, देखो रमॉन की बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद भी उनकी बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी बैक इतनी विथ कैरी नहीं करती, उसके बाद भी गाइस जजेस ने साफ बोल दिया कि क्रिस बम्स्टेड को लास्ट ईयर रमॉन ने बीट कर दिया था बैक पोज में। तो अब आप समझ जाओ इन चीजों से मैं पॉइंट आउट किस तरफ कर रहा हूँ। तो अभी इनकी स्टार्टिंग है, आई थिंक इनका भी डेब्यू ईयर है मिस्टर ओलंपिया में, तो अपनी बैक को ये सेवरली इंप्रूव कर सकते हैं, और इस पैकेज के साथ गाइस, इस फिजिक के साथ, इस फुलनेस के साथ मैं टोटली इनको देखता हूँ टॉप 5 टॉप 6 क्रैक करते हुए, पूरे लाइनअप को शफल करने का पूरा दम रखते हैं ये इस वक्त। सो यस, इंप्रूवमेंट्स अभी भी रिक्वायर्ड है, बट ही वॉज ग्रेट गाइज, ही वॉज डेफिनेटली ग्रेट। ग्लूट्स में यस ऐसी सेपरेशन नहीं थी, ऐसी लाइन्स नहीं थी जैसी कि वही बात पे शो कर रहे थे या फिर होनी चाहिए, बट उसके बाद भी गाइज अ ग्रेट पैकेज। दूसरी तरफ पूरी कंडीशनिंग जबरदस्त थी, फाइबर्स पूरी फिजिक में, मतलब ऐसे नहीं कि चेस्ट में ही, पूरी फिजिक में जगह जगह पे भरे पड़े थे, बहुत अच्छा पैकेज लेकर आए थे। और इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि मैं एक इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, उसके बाद इन्होंने खुद पोस्ट डाला कि नॉट ए इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर, राइट? तो क्योंकि लोग इनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे इस चीज को लेकर कि इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर हो आप, उसी चीज को इन्होंने आंसर कराया एक तरीके से बहुत ही फनी वे में। तो एनीवेज अब मैं देखना चाहता हूँ इनका एक तरह से पोटेंशियल ओपन डिवीजन में, चाहे इस साल ये क्लासिक में कम्पीट कर लें, लेकिन उसके बाद द राइट स्टेप इज गोइंग टू बी टू मूव टू ओपन डिवीजन, बिकॉज इनका फ्रेम ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है गाइस। अभी भी बहुत जबरदस्त आने के बाद भी जिस तरह का शेप ये कैरी कर रहे हैं, जिस तरह की मसल बैलेंस ये कैरी कर रहे हैं, हर एक तरह से मसल इनके फुल हो जाते हैं, वो जबरदस्त लगने लग जाते हैं, फीके लगने का पूरा स्कोप रखते हैं ये, और बहुत ही जबरदस्त शेप के साथ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर क्या डिसाइड करते हैं। एनीवेज आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि मैं बात करना चाहूंगा रीगन क्राइम्स के बारे में, एंड रीगन क्राइम्स इज लुकिंग रियली रियली मैसिव। अब यहां पर ही इज लुकिंग
रियली मैसिव और ये कम्पीट नहीं करने वाले इस साल, जो कि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कटलर कास्ट, यानी कि जो पॉडकास्ट होता है जे कटलर का उसके अंदर। एंड आई थिंक ये एक अच्छा प्लान है इनका, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी ऑफ सीजन में ही वॉज रियली रियली बिग, 300 pounds को ये क्रॉस कर चुके थे एंड इनको इसकी जरूरत भी थी, बट जब स्टेज पे आए तो वो पॉप ये खो चुके थे, काफी मसल मास इन्होंने लूज कर दी थी। हाइट इज गुड, आई थिंक 5'11" के आसपास है, तो उस हिसाब से गाइस 300 pounds तक का तो इनके स्टेज पर आना ही होगा, तो उसके हिसाब से तो गाइस इनका फ्रेम इस तरह से फुलनेस कैरी करता हुआ स्टेज पर नहीं दिखा। सो अब इनको कम से कम गाइस 330 से 335 pounds तक जाना होगा इस ऑफ सीजन में, ताकि कट करके भी है 295-300 pounds कम से कम स्टेज पर लेके आए, उसके बाद ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। एक शेप इनके पास है, एक हाइट अच्छी है इनके पास, मसल ऐसा कोई स्पेशली लैक नहीं करता कहीं से भी, डेडिकेशन लैक करते हैं बस ये। इनके बारे में कई लोगों ने इस बारे में बात करी है, बहुत सारे एथलीट्स इनके साथ जो ट्रेन कर चुके हैं वो भी बात करते हैं कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट द स्पोर्ट, एंड आई थिंक ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, तो एक उस चीज पर इनको काम करना होगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक कहीं पर भी ये इस तरह से लैक करते हैं, एक डेडिकेशन अगर इन्होंने दिखा दिया तो निक वॉकर तो ये भी बोल चुके हैं कि ये मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं इफ़ ही इज़ वेरी 100% इन द स्पोर्ट, बट उस तरह से ये नहीं है, बाकी इनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होंगी जो भी डिसाइड करते हैं, बट इस वक्त इनका ये ऑफ सीजन लेना या फिर इस साल कम्पीट ना करने का प्लान वॉज रियली गुड। एनीवेज गाइस आज का वीडियो इतना ही, कल बहुत जबरदस्त बहुत सारी अपडेट्स लेके आऊंगा, बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करते चलना, इस एथलीट की अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक तो करते ही रहो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलो भाई, सबसे पहले आपको पता लग जाएगा वीडियो जैसे ही आएगा। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।